मध्य प्रदेश के सिवनी में 21-22 नवंबर की रात तीव्र भूकंप से लोगों की नींद टूट गई। पूरा घर हिलता देख गहरी नींद से जागे लोग घरों से बाहर निकल आए। रविवार को आया भूकंप का झटका जिले में इससे पहले आए सभी भूकंप में सबसे तेज व अधिक समय तक महसूस किया गया। हालांकि इस भूकंप से कोई बड़ा नुकसान होने की खबर फिलहाल नहीं है। लगातार भूगर्भीय धमाकों और भूकंपन के बाद बीती रात सिवनी में लोगों को फिर झटके लगे। भूकंप के डर ने लोगों का सोना मुश्किल कर दिया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की वेबसाइट में दर्ज जानकारी के मुताबिक सिवनी में 22 नवंबर को 1:45 बजे रिएक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र सतह से 10 किलोमीटर की गहराई में बताया गया। लोगों ने करीब 15 सेकंड तक धरती हिलने व भूकंप के झटके महसूस किए। शहर के सभी क्षेत्रों में भूकंप महसूस किया गया है। जिला मुख्यालय के अलावा बरघाट कुरई में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। जोरदार भूकंप से लोगों में दहशत का माहौल है। 27 अक्टूबर को रिक्टर स्केल पर सिवनी में पहला भूकंप 3.3 तीव्रता दर्ज किया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को दिन में दो बार 3.1 व 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।